The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. How to diagnose autoimmune disease? एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हमने आपको बताया है कि आप ही का इम्यून सिस्टम आप ही के शरीर को अटैक कर रहा है. सो इसको डायग्नोस करने के लिए इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को चेक किया जाएगा. आपका कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ ESR और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन और इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हमने पहले भी बताया है ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं. तो आपकी बॉडी में ये बढ़े हुए मतलब कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है. फिर वो कहीं लोकेट करने के लिए आपके सिम्टम हमें बताएंगे, आपकी हिस्ट्री बताएगी कि आपके बॉडी के अंदर कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे जलन है, कहाँ सूजन है, राइट. योर प्रॉपर हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स, आपके साइंस, ये सब हमें आइडिया देंगे. फिर हम आपके और टेस्ट करेंगे. लाइकली एक टेस्ट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA टेस्ट. IgA इज़ योर ओन इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपकी इम्यूनिटी बनता है. तो बच्चों में ये भी किया जाता है जिनको बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं. तो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ए कम है दैट मीन्स योर इम्यूनिटी इज़ वीक. इम्यूनोग्लोबुलिन ए ज़्यादा है यू माइट हैव अ टेंडेंसी ऑफ गोइंग इनटू ऑटो इम्यूनिटी. फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है. ऑटो एंटीबॉडीज़ ये वो एंटीबॉडीज़ है जो एक्चुअली जाके टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं. सो एक एक ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कर सकते हैं. एक एक ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हो सकता है, याद रखिएगा. सो बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं दुनिया के अंदर, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, न्यूक्लियर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके खिलाफ वाली एंटीबॉडी, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी मतलब न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म के खिलाफ वाली, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ यानी डबल स्टैंडर्ड DNA जिस सेल में उसके खिलाफ की एंटीबॉडी, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, साइक्लिक सिट्रुलेटेड पीपल एंटीबॉडी, एक्साइटेबल न्यूक्लियर एंटीजन एंटीबॉडी, रूमाटॉइड फैक्टर, राइट, कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, beta-2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, लूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडीज, बहुत सारे आइसलेट्स एंटीबॉडीज, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं. हर एक चीज़ के लिए अलग है. जैसे कि हमने अभी आपको बताया ये सारे मोस्ट कॉमनली किए जाते हैं. हम पेट के लिए जो करते हैं वो एंटी TTG एंटीबॉडी होती है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी जो सीलेक डिजीज़ के लिए करते हैं. इंट्रेंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ और पैराइटल सेल एंटीबॉडीज़ भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यू के लिए करते हैं. थायराइड के लिए थायराइड एंटीबॉडीज़ करते हैं और थायराइड में NTTPO और TSH रिलेटेड एंटीबॉडीज़ होते हैं. लिवर के लिए करते हैं स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़, एफ एक्टिन एंटीबॉडीज़, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ AMA 2 भी आती है. लिवर किडनी माइक्रोसोम एंटीबॉडीज़ भी होती हैं. किडनी के लिए एंटी ग्लोमेरुलर ब्रेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ होती हैं. मसल के लिए एसिटिल कोलिन रिसेप्टर ACH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ होती हैं. सो इतनी सारी एंटीबॉडीज़ है, कौन कौन सी कराएंगे? सबसे कॉमन होता है टेस्ट ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलेगा तो. और फिर सबके अलावा, एंटीबॉडीज़ के अलावा, कई बार कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का टेस्ट होता है. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आपके इसी इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर काम करते हैं, इनके भी टेस्ट होते हैं. और फिर फार्माकोजेनेटिक टेस्ट होते हैं कि भाई जीन्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑटो इम्यून प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस होते, बहुत सारे टेस्ट होते हैं. सो इन टेस्टों से डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से सिम्टम है डॉक्टर आपको बेसिक टेस्ट देंगे. सबसे बेसिक कौन से ज़रूरी है? CRP, ESR, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ और डिपेंडिंग अपॉन हार्ट है कि रूमेटिक फीवर, रूमेटिक रूमेटॉइड फैक्टर भी देखा जाता है कई बार. सो ये हुए सारे टेस्ट जो किए जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज में, राइट. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. अगेन हमने हर एक सिस्टम के लिए आपको टेस्ट बताए हैं, मेक श्योर टू यूज़ दोज थिंग्स, राइट. ओके.